आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। पानीपत शहर की सबसे बड़ी समस्या गंदगी अब विकराल रूप लेती जा रही है। अब जनता परेशान हो गई है और अपने अपने वार्ड के पार्षद से इस गंदगी की समस्या का समाधान का जवाब मांग रही है। तो वहीं अब इन सवालों के आगे मजबूर शहर के एक दर्जन से ज्यादा पार्षद निगम कमिश्नर से जवाब मांगने के लिए पहुंच गए। इस दौरान पार्षदों का आरोप है कि निगम कमिश्नर कांग्रेसी है, जिसके चलते उनके वार्ड की हालत बद से बदतर होती जा रही है और विकास के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। पार्षदों ने निगम कमिश्नर से मुलाकात के दौरान दुखड़ा बताते हुए कहा कि वार्ड की हालत बिगड़ती जा रही है, सफाई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, ना ही सफाई कर्मचारी समय पर पहुंच रहे हैं। वहीं कमिश्नर से मुलाकात में पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों के प्रधान सुभाष को भी हटाने की मांग की है। पार्षदों का कहना था कि प्रधान राजनीति कर कर्मचारियों को बरगलाता है, जिसके चलते सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। कमिश्नर साहब से हमने 11 बजे का समय लिया हुआ था, कमिश्नर साहब से हमने बात रखी, उन्होंने कहा कि जो लिफ्टिंग वाला मामला है, लिफ्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट जो एक एक कंपनी के पास गया है, वो विपुल शर्मा जी यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने हमारे से 2 दिन का समय मांगा है। 2 दिन के अंदर, दिन और रात के अंदर, पूरे शहर के अंदर वो लिफ्टिंग का काम करेंगे और 2 दिन के अंदर सारा शहर हमारे को साफ करके देंगे। इस प्रकार का उन्होंने हमारे सारे पार्षदों को आश्वासन दिया है। और दूसरी बात जो मेन समस्या है कि स्वीपिंग की, भाई स्वीपर जो है वो समय पर काम पे नहीं आ रहा और पूरा काम पूरे दिन में नहीं करता, उसके लिए कई दिनों से बात आ रही है कि कोई प्रधान है, सुभाष प्रधान है, उसने इन सारे स्वीपर्स को बिगाड़ रखा है। और हमने हाजिरी के लिए, हमने हाउस के अंदर ये तय किया था कि हाजिरी दी जाएगी और हर स्वीपर हाजिरी देगा और उसके हिसाब से काम करेगा, सुबह कितने घंटे और सायंकाल कितने घंटे। लेकिन उस हाजिरी के लिए उस प्रधान ने इन सबको गुमराह किया और उसने मना कर दिया कि इस प्रकार का कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन आज हमने बैठकर ये तय किया है कि उसको, प्रधान को, या तो यहाँ से हम कहीं ट्रांसफर करवाएंगे, नहीं तो ये पार्षद सड़कों पर उतर कर इस सफाई की व्यवस्था के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम अपने वार्ड में करेंगे। हमारे को आश्वासन दिया है कि 2 दिन जो प्राइवेट ठेका हुआ उसने 2 दिन का समय मांगा, पार्षदों के पास लिस्ट पहुंच जाएगी। बाकी ये पहले नागरू जी ने बता ही दिया आपको सारा, जो कमिश्नर को सख्ती बरतनी पड़ेगी। जब तक सफाई कर्मचारियों पर सख्ती नहीं होगी, ये सिरे पे चढ़े हुए हैं, जो इनका प्रधान है इसने हाजिरी नहीं लगवानी, उनको पक्के का आश्वासन दे रखा, उसकी वजह से काम नहीं हो रहे। सवेरे आते हैं, 8 बजे आते हैं, 9 बजे भाग जाते हैं, क्योंकि इसलिए पूरे शहर का माहौल खराब है। अगर ये व्यवस्था 10 दिन के अंदर टाइम मांगा गया कमिश्नर ने नहीं होगी, तो जल्दी CM को मिलकर इस काम को हल किया जाएगा। वहीं पार्षदों की परेशानी सुन अब निगम की तरफ से फिर से उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस 1 हफ्ते के अंदर इस गंदगी की समस्या का समाधान हो पाएगा। सत्य खबर के लिए पानीपत से अनिल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।